भीम बुलाता है हमें, जय भीम बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की। ये 22 प्रतिज्ञा है क्या? बाबा साहब अंबेडकर जी ने वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की जो चौथी कॉन्फ्रेंस सॉरी तीसरी कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा कि भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए सिर्फ त्रिशरण और पंचशील काफी नहीं है, क्योंकि पिछले 2500 सालों से कई सारी कुनीतियां या कुकृतियां बौद्ध धर्म में शामिल हो चुकी है, और इसलिए इसको बाहर निकालने के लिए हमें त्रिशरण और पंचशील के साथ साथ और कुछ उसमें होना जरूरी है। और ये और कुछ कुछ नहीं था, 22 प्रतिज्ञा थी। और ये 22 प्रतिज्ञा मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि जिसको बौद्ध धर्म अपनाना है उसी को ये 22 प्रतिज्ञा कहनी है। ये भारत के अन्य धर्मों के लोगों को हम नहीं कह रहे कि ये 22 प्रतिज्ञा लेनी है। जिसने रिक्वेस्ट की है कि मुझे बौद्ध धर्म में आना है, तो बौद्ध धर्म में आते समय आपको ये सारी चीजें जो प्रतिज्ञा दी जाएगी वो आपको फॉलो करना है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, वही बड़े पैमाने पर धर्मांतर करते हैं। इसलिए ये सारी जो प्रथा प्रतिज्ञा है ये उसी धर्म से बाहर आने वाले लोगों के लिए है। जिस दिन क्रिश्चियन लोग, जिस दिन मुस्लिम लोग, सिख लोग, जैन लोग, पारसी लोग उनका उनका धर्म छोड़ेंगे, उस समय इसमें अगर बदलाव करना है तो वो सारे इंटेलेक्चुअल्स मिलकर उसमें बदलाव करेंगे। लेकिन आज मोस्टली हिंदू फोल्ड के लोग इस धर्म से बाहर आ रहे हैं, इसलिए बाबा साहब ने ये 22 प्रतिज्ञा दी है। हमने त्रिशरण और पंचशील लिया, जिस तरह से बाबा साहब ने कहा कि सिर्फ त्रिशरण पंचशील काफी नहीं है, 22 प्रतिज्ञा का होना भी जरूरी है। तो इसलिए आप मेरे साथ जिस तरह से हम शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, उस तरह से अपना राइट हैंड आगे कीजिए और प्रतिज्ञा कीजिए, और मेरे पीछे पीछे ये प्रतिज्ञा दोहराइए। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और न ही कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने अवतार लिया, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा कि तथागत बुद्ध विष्णु के अवतार है। ऐसे प्रचार को मैं पागलपन और झूठा प्रचार समझता हूँ। मैं श्राद्ध पक्ष कभी नहीं करूंगा और न ही कभी पिंड दान करूंगा। मैं बुद्ध धम्म के विरुद्ध कभी कोई बात नहीं करूंगा। मैं कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करवाऊंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य मात्र एक समान है। मैं समता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं तथागत बुद्ध के अष्टांग मार्ग का पूरा पालन करूंगा। मैं तथागत बुद्ध के बुद्ध बताए हुए 10 पारमिताओं का पूरा पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्रा पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं अपने जीवन को बुद्ध धम्म के तीन तत्वों के अर्थात ज्ञान, शील और करुणा पर ढालने का प्रयत्न करूंगा। मैं मनुष्य मात्रा को मनुष्य मात्रा की उन्नति के लिए हानिकारक और मनुष्य को ऊंच नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म का पूरी तरह से त्याग करता हूँ
और बुद्ध धम्म का स्वीकार करता हूँ। मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि तथागत बुद्ध का धम्म ही सही धम्म है। मैं ये मानता हूँ कि आज मेरा नया जन्म हो रहा है। मैं ये पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बुद्ध धम्म के अनुसार आचरण करूंगा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की। भीम बुलाता है हमें, जय भीम बुलाता है, अब तो चलो।